जोहार। अभी इस वीडियो के माध्यम से हम युवाओं को थोड़ा सा संदेश देना चाहेंगे, उन तमाम युवाओं को। देखिए सीधी बात है, हर एक युवा हमारे झारखंड राज्य का, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र यानी राजनीति, राजनीति यानी चुनाव, तो कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़ा है। 80% 85% यूथ किसी न किसी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं। और अब चूंकि लड़ाई माटी की है, और एक बात है, पता है पार्टी के लोग क्यों नहीं बैकफुट पर आ रहे हैं? क्योंकि आप लोग अभी तक पार्टी से जुड़े हैं, आपको खतियान भी चाहिए और पार्टी का रैली भी चाहिए। अभी उस पार्टी का रैली जिसमें आपका खतियान का विरोध हो रहा है, आपके खतियान का विरोध जो पार्टी करता है, आप उस पार्टी में भी जुड़े हैं लेकिन आप विरोध नहीं कर पा रहे। यही हमारी सबसे दुख की बात है। जिसे उदाहरण के लिए देखिए, दीपक प्रकाश जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, उस साहब कह रहे हैं कि मैंने 1932 के खतियान के खिलाफ है, लेकिन बावजूद देख रहे हैं कि मैंने मेरे बहुत सारे युवा साथी है झारखंडी माई माटी के, वो जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और लगातार उनकी बैठकों में जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाइए दादा, खतियान भी चाहिए और उन्हीं लोगों के साथ आप मीटिंग कर रहे हैं जो खतियान का विरोध कर रहे हैं। दादा ऐसे में नहीं होगा। चाहे कांग्रेस की बात करें, आपका सीधा तमाम कांग्रेस के दो विधायक बयान दे रहे हैं कि भाई खतियान सपोर्ट नहीं करते हैं, उनके भी प्रदेश अध्यक्ष बयान दे रहे हैं, और फिर आप जब कांग्रेस की मीटिंग हो रही है आप जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। जब तक आप एक एक कोई भी चार, पहला बात तो सेंट्रल पार्टियों का भी एकदम साइड कीजिए, क्योंकि सेंट्रल पार्टी कभी आपका हितैषी नहीं हो सकती है। आप तमिलनाडु की तरह विकास चाहते हैं, आप तेलंगाना की तरह विकास चाहते हैं, तो वहां सेंट्रल पार्टी को घुसने नहीं दिया जाता है। एक बात एकदम तय कर लीजिए। खैर अपनी पार्टी और माटी की पार्टी की भी बात होगी, ऐसा बात नहीं है, लेकिन पहले सेंट्रल पार्टी की बात कीजिए। एक आपको उदाहरण हम देना चाहेंगे, 2016 का मामला था, भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े सांसद अथवा मंत्री ने बयान दिया था भोजन को लेकर। मैं भोजन का नाम नहीं कहूंगा क्योंकि उससे किसी की भावना ठेस पहुंच सकती है। उन्होंने कहा था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में उसी के पार्टी के एक नेता ने विरोध किया, वे भी शायद सांसद थे और मंत्री बने थे, उन्होंने विरोध किया कि भारत देश जो है वह अनेकताओं में एक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हर जगह अलग अलग भोजन, अलग अलग पकवान, अलग अलग पहनावा है, आप पूरा इंडिया को एक नजर से नहीं देख सकते हैं, इसलिए ये चीज आपको समझना होगा। अब देखिए वहां क्या होता है, उनका बयान लास्ट में बदलना पड़ता है। जब भी दिल्ली में दिल्ली के नेता को, और किसने, अरुणाचल प्रदेश के नेता ने बयान बदलने पे मजबूर किया। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी नेता ने बताया कि आप बीजेपी अगर अरुणाचल प्रदेश में है ना, तो आप मेरी बदौलत है, मैं आपकी बदौलत यहाँ नहीं हूँ। तो आप भी मेरे साथियों कार्यकर्ता, तमाम पार्टी के, कांग्रेस रहे या बीजेपी के रहे, मैं आपसे तमाम, पहले मैं सेंट्रल पार्टी की बात कर रहा हूँ, इसलिए कि आप लोग पहले अपना लेटर हेड जारी कीजिए। आप मीडिया प्रभारी हैं, चाहे पंचायत के प्रभारी हैं, चाहे कुछ और हैं, आप मीटिंग में जाना बंद कीजिए भाई, नहीं तो बहुत बड़ी गुलामी होगी। आप क्या सोच रहे हैं कि आपको मैंने मीडिया प्रभारी से ये लोग विधायक बनाएंगे क्या? घंटा विधायक बनाएंगे? सिंदरी में ये लोग 90,000 बाहरी वोटर ला रहे हैं, आपको भी, आपको टिकट देंगे? वे ट्राई कर रहे थे, सिंदरी में प्रयोग कर रहे थे। आप सिंदरी के बाद साथ साथ धनबाद और झरिया तो भूल जाइए, धनबाद झरिया फिलहाल भूल जाइए, दो दिन में बागमारा खत्म हो जाएगा, बचेगा वो टुंडी उधर निरसा, निरसा भी खत्म। यानी आने वाले 10 सालों में, हम धनबाद की बात कर रहा हूं, मैं धनबाद की बात कर रहा हूं मेरे साथियों, आपको आपका भविष्य बता रहा हूं। क्योंकि मैंने पहले कहा मैं एक लीडर नहीं हूं भाई, हमको लीडर बनना अभी, आप लीडर आप बनिए, लेकिन मैं एक फिलोसोफर हूं, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूं, मैं पीएचडी का छात्र हूं, पीएचडी यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी यानी फिलोसोफर, फिलोसोफर मतलब जो भविष्य को देखता है, और मैं आपको भविष्य बता रहा हूं, मैं आपको आपका फ्यूचर बता रहा हूं कि क्या होने वाला है। फ्यूचर यही होने वाला है कि अब तो हमारी नौकरियां जा रही थी ना, कंपनी में ये लोग पैसा देके घुस जा रहे थे, हमारी नौकरियों को खा रहे थे, अब सीधा सीधी, अब जो खाया जाएगा ना, अब सीधा सीधी विधानसभा खाया जाएगा। बिल्कुल सुनील दा, शेरे शिवा की प्रतिमा, आदमकद प्रतिमा डुमरी मोड़ में बननी चाहिए कहीं। तो अब सीधा सीधी देखिए दादा, नहीं नहीं, इंद्रजीत दा का तबियत खराब है, उनका हम सम्मान करते हैं, वे अभी अस्वस्थ है, इसलिए उन पर बात नहीं कीजिए, बिल्कुल उनका सहयोग कीजिए, उनका उनके साथ खड़े रहिए, वे अभी अस्वस्थ हैं। लेकिन हम सिंदरी का बात करेंगे, सिंदरी विधानसभा की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वहां 90,000 बाहरी वोटर लाए जा रहे हैं। तो आप सोच रहे हैं आपको एक मीडिया प्रभारी बना दिया, आप मस्त हैं, अरे भाई कहां जा रहे बोका भाई लोग। अच्छा ठीक है, आपने भाषा बच गए, अब बता तो नहीं कहां जा रहे हैं रे, तो नहीं एगो मीडिया प्रभारी बनाए दलाओ, एगो मैंने प्रखंड के अध्यक्ष बनाए दलाओ, और तोनी बहुत बड़ा मैंने अपन आपके की जो सोचे हैं बंधु साहब, हमारा समझ में नहीं रहा लो। कुमार दास राहुल दा, आदरणीय इंद्रजीत महतो विधायक जी अस्वस्थ हैं, इसलिए इस घड़ी उन पर टिप्पणी नहीं, उनका साथ दीजिए, उनके लिए दुआ कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, ठीक है? तो बाहरी विधायक ना चल तो ठीक हो, लेकिन कर रहे कि बाहरी वोटर भाई जी तो ज्यादा,
भारी वोटरे ज्यादा होते तो की करबे, तोर वोट से कुछ बिगड़े वाला ना। अभी राज सिन्हा की बात करना, राज सिन्हा में की कहते रहे कि हमारा गाँव के वोटे नहीं चाहिए, गाँव के वोट नहीं चाहिए, ये बाहरी अतिक्रमण इतना कर लाओ कि गाँव के वोटे नहीं चाहिए। इसलिए तोनी से निवेदन हो, सभी ने अपन लेटर पेड में लिखा, पहले लेटर पेड में लिखा कि पार्टी से हम इस्तीफा दे, हड़कम मत जाना चाहे ना कर लू। एगो पंचायत में अगर 20 गो अगर कार्यकर्ता है तो 20 जने अपन लेटर पेड में लिखा कि हम प्राथमिक सदस्यता से आपकी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। कहीं तक माटी की लड़ाई लगो, अगर आज अगर तुम मैंने ना क्लियर कर पा ले अपने स्टैंड तो थोड़ा इन फ्यूचर गद्दार भी लोग माटी के लोग कहते। तो इसलिए हमारा बात सीधा करें, कहें खैर उत्पल दा तोर दर्द समझ रहा लियो, तो छिटा कसी बात भी बुझ रहा लियो, तो कोई भी दिक्कत ना है, दो चार को छिटा कसी बात होना भी जाए। तो हमार सीधा सा संदेश रहतो कि अपन अपन तोनी तैयारी कर ले और जितना जाने अपन लेटर हेड में इस्तीफा दिए प्रयास कर। अब रह गलो जेमे मार हमने गाय सुदियो क्षेत्रीय पार्टी लगो, अब देख काल देख लियो उद्यो पार्टी के लोग शेरे शिवा महतो के अंत्येष्टि में शामिल है कि बड़ा प्यार से हंस रहा था, लेकिन जब माटी की बात आवे तब अखनी दियो कहे नहीं खा पा रहो, कहे नहीं खा पा रहो, दियो की बात कर रहा लियो आज सुबह जेमे काल माटी के शेर शेरे शिवा के अंत्येष्टि में बड़ा अच्छा हैसेज के बात कर रहा हो। अरे भाई खतियान के बात मैसेज करना, हैसेज के तोहनियो बात कर, खतियान के बात हैसेज के कर, तब ना जानवे। तो इटा अब लोग के बेवकूफ ना बना, अगर माटी के पार्टी भी अगर साथ ना देता है तो माटी के पार्टी के भी बहिष्कार रहते, चाहे जय रहो माटी पार्टी रहो चाहे केंद्रीय पार्टी रहो, जय साथ नहीं देते जो झारखंड हित के बात नहीं करते ओकर विरोध है तो ओकर खिलाफत है। तो अब सीधा बात हो गिरिडीह जरूर है दादा, तो पहला प्रयास ऐटे होना चाहिए हमनी के कि अब हमने जितना पॉलिटिकल से जुड़ा ला जन पार्टी लगा अब के चाहे माटिक पार्टी रहा चाहे केंद्रीय पार्टी रहा, अब धीरे धीरे अपन लेटर पेड ना हो तो बनाए ले और ओकर में इस्तीफा दाग अपन प्रदेश अध्यक्ष अथवा जो प्रदेश प्रभारी लगो ओकर नाम से इस्तीफा जारी करा। बिल्कुल समझा कतना मैंने कतना बड़ा बयान दे रहा हो कि मैंने हमको खतियान के विरोध में बयान दे रहा, अभी अध्यक्ष लगो राज्य के अध्यक्ष लगो झारखंड के अध्यक्ष लगो और तोनी चुपचाप और ओकर देख लिया एक दिन बर्थडे में हमारे पूरा दोस्त में हैप्पी बर्थडे, बाप रे गजब गजब किधर हो हमनी को समाज में मैंने गजब के गुलामी कर रहा तुम, गजब के गुलामी, गुलामी तक हद भई गलो, ऐसा गुलामी ना देख लो यार, पता नहीं अखनी के मीडिया प्रभारी बना के कितना दो चार टका देवो खर्चा उर्चा की, अरे देवो करो थोड़ा से की यार, घर चलो कि नहीं ना चलो हो ना चलो। तो सीधा सीधी आटे अपील रहतो कि अब तो माटी के लड़ाई लगो, पार्टी से पार्टी के बहिष्कार कर, क्या कि माटिए ने बाजते तो किथिक पार्टी रही, माटिए ने बाजते लगातार अदे लैंड बुल बिल लेके आए हो जगह में तो 20 किलोमीटर के दायरा में जमीन गला सरकार मनमानी से ले लेते, गाँव रहते कहाँ, गाँव रहते ना गाँव के शहर बनाए रहो और शहर में तो एनआईटी के बारे में झारखंड के लोग एक भी शहर बता ना, झारखंड के लोकल लोग विधायक बनो हो, अरे ओझादा उठा तुम्हें ताकत देखा ना तुम्हें हटाए दीना, ओझादा उतना मेहनत काहे करे हैं तुम्हें हटाए दी भाई 24 जिला से उठा तोर बाप तुम्हें कर, हमने जय करे लगे कर लिया, हमने छोटे मानुस लग ली तुम्हें बड़े लोग लगे भाई। तो सीधा सा प्रयास हटे होना चाहे कि हमने क्या आगू कैसे लड़ना है और आगू नीति नियम कैसे हमने पक्ष में बहते इटा चर्चा होना चाहिए, क्या कि देख ले फूट डाले वाला लोग तैयार है तुन कहीं बा फूट डाले खातिर लोग लगातार प्रयास कर रहा ला तुन और इटा के धार्मिक इशू भी बनवा के लोग लगातार प्रयास कर रहा ला इटा भी सोचे है तो और अपन ना लड़ ले तो भाई कहलियो ना जयचंद गिला कोई दिक्कत ना पड़ते, जयचंद गिला कुकरो से रह के खाना खा ले तो, लेकिन जो स्वाभिमानी लोग लगे जो स्वाभिमानी लोग लगे ओकरा बहुत दिक्कत है तो अपन दिक्कत ना होना ऊटो ध्यान रखना हो और खातिर लड़ाई लड़ ली है तो कोनो भी परिस्थिति में लड़े है तो लड़ाई टी आज ना लड़ ले तो बहुत नुकसान है तो सही खातिर पहला काम करा जितना पार्टी से है तो नहीं अपन लेटर पेड में कह दी जब तक खतियान के बात ना है तो नियम ना बनतो तब तक इस्तीफा रहो बाद फिर हमने शामिल हो जाए जन दिन खतियान बनतो और आवाज उठाओ ऐसा ना है शामिल का है वो जे ना हमने हक खातिर आवाज उठे तो बिल्कुल तो 1932 के खतियान के ही बात रहता है और विशेष एकर से ज्यादा कुछ बात नहीं था सिर्फ खतियान केवल और केवल खतियान झारखंड के पहचान। तो तोनी से विनम्र अपील रहले विनम्र प्रार्थना रहले पहले माटी खातिर अब पार्टी के त्याग कर ले तो पार्टी में भय ना हो पार्टी के लिए डर नहीं रहा बताओ झारखंड में रह के अखनी झारखंड के विरोध कर रहा हो जानो झारखंड एक लोग बहुत 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 ज़्यादा मैंने आज भी गुलामी के दंश में हो क्या झारखंड के लोग आपसे में लड़ जातुन अखनी जानो बताओ एगो विधायक स्पष्ट कह दो हमारा गाँव के वोट ना चाहिए काहे कह रहा हो बताओ जब गाँव के लोग फिर वोट दे रहा हो तो ये चीज़ गला समझे है तो अब आने वाला फ्यूचर के बचाना हमनी सभी के जिम्मा हो कैसे लड़बे इटा तोहनी आधारशिला तय कर और फिलहाल पार्टी से सभी अपन अपन लेटर हेड जारी कर और इस्तीफा दे।
तो सीधा सा स्पष्ट हम कहना चाहबो, आज के बाद से प्रण ले ले जन पार्टी तौर भाषा तौर संस्कृति खतियान मैंने झारखंड के हित के बात ना करतो और विरोध में रहना भी सीख, अगर ना तो फिर बहुत नुकसान कर। तो पता नहीं किधर समय नया नया जो जज पार्टी से अतुन अपनी की मिलने वाला टिकट मिलतो कि कहीं से टिकट ना मिलतो, जितना मीडिया प्रभारी हैं जितना पंचायत अध्यक्ष हैं जितना प्रखंड अध्यक्ष हैं सचिव हैं जे अभी यहाँ हैं टिकट ना मिलने वाला हो। टिकट पता हो तो ये हम तो बार बार कहलियो जितना शहर बनतो उतना झारखंड के पतन भेतो, कहबे काहे धनबाद शहर लगो धनबाद एक सीट झारखंडी जिंदगी यार ना जीते पड़तो, रांची शहर लगो रांची एक सीट झारखंडी ना जीते पड़तो, बंगला शहर भै गलो बंगला के सीट झारखंडी यार ना जीते पड़तो। अरे अनुज दादा सब ठीक भेता है, रुकना खतियान आवे दिना के कौन भाषा हमारे लगे ना लगो तक चर्चा है जीते, पहले खतियान तो आवे दे भाई खतियान के लड़ाई लगो तो टेंशन का लें, लोके फूट डाले खातिर तनी तनी रास्ता राख दे है जब तक लोग अरे उर्दू तो साजिश लगे यार, उर्दू तोरा स्पष्ट कह दे कोई उर्दू लोकल लैंग्वेज नहीं लगो, उर्दू अगर मुसलमान के भाषा रहते तो उर्दू बांग्लादेश में जैसे बांग्ला नहीं बच के तले अखनी, तो उर्दू से कोई इशू नहीं बनाओ, उर्दू अपने उर्दू भी हटते उर्दू लोकल लैंग्वेज नहीं लगे, 24 जिला की एको जिला में काहे रहते भाई सब मुसलमान खट्ठा अच्छा जाना है अखनी कुड़माली नागपुरी पचपरगनिया जाना है और हट्टे में अखनी सहज महसूस करे ठीक हो, और खाटी मुसलमान उर्दू ना खतियान के साथ है तो उगला मैंने दिग्भ्रमित और डाइवर्ट करे प्रयास नहीं रहें, प्रयास होना चाहिए एगो जोरदार मूवमेंट होना चाहिए, रांची निकलब रांची निकलब रांची तैयारी के साथ निकलब, कोई सबके पूछ के निकलब ऐसा कोई बात ना, और बिल्कुल नहीं गुलामी तो हो हमरो सुने मैं लोग हमने दो चार को बहुत पुराना मंत्री हो अखनी जाए के मैंने हेमंत सोरेन के दो चार को आई पी है ना भरी अखनी गोड़ लागो हो तो गुलामी तो सुने में हमने को आ रहा हूँ जोहर। अरे 6 तारीख के अखनी बाप के झारखंड लग रही तुम्हें टेंशन क्या रह रहा है, 6 तारीख के कोई बंद ना रहता है ओकर लगे कि बड़का यहाँ खटाल वाला के लिए झारखंड बंद करते, अरे तोनी रहे हैं एक तो मैंने अपन यहाँ आश्रय दिला वसुदेव कुटुंबकम झारखंड दिल फैला ला फिर झारखंड में नुकसान करके बात करे कुछ 6 तारीख के बंद ना आता है टेंशन नहीं ले, रामगढ़ अब तो नहीं जब हाँ कभी दादा जवाहर झारखंड जय झारखंड।